अस्तग़फिरुल्लाह, वो बेशरम इंसान, तुझे यही जगह मिली थी चोरी करने की? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो ये पैसे इकट्ठा करके इस डब्बे में डालने वाला था। इकट्ठा करने के लिए तुझे किसने इजाजत दी? उसके लिए इमाम मस्जिद है ना, चल उठ। पहले मैंने तुझे कभी देखा नहीं यहाँ पे, बता कौन है तू और कहाँ से आया है? भाई मैं इस साथ वाली कॉलोनी का एक गरीब इंसान हूँ, मैं आ रहा था और ये चंदे का डब्बा नीचे गिरा हुआ था, इसीलिए मैं इकट्ठा कर रहा था। अच्छा, तो तू साथ वाली कॉलोनी में रहता है? शक्ल से तू मुझे कोई चोर लगता है। ऐसे तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, ये पैसे डाल इस डब्बे में और चल मेरे साथ। भाई गरीब आदमी हूँ, जाने दे मुझे। अगर तू गरीब आदमी होता तो तू ये हरकत ही ना करता, चल मेरे साथ। हाँ हाँ भाई, 20 मिनट तक भेज देना, मैं काम कर दूंगा उसका। ठीक है। ओए बरखुरदार, धक्के क्यों दे रहा है इस बेचारे को, किया क्या इसने? तो चौधरी साहब क्या बताऊँ आपको, जो इसने हरकत की है इसको जितनी भी सजा दी जाए वो कम है इसके लिए। हरकत? कौन सी हरकत? ओए बरखुरदार, ऐसा तूने क्या किया है जो ये तुझे घसीट के लेके आया है? चौधरी साहब मुझे माफ कर दें, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? ओए क्या किया इस बेचारे ने? अच्छा तो कुछ नहीं किया चौधरी साहब, मैं बताता हूँ। ये देखें, मस्जिद के चंदे से चोरी करते हुए मैंने पकड़ लिया। क्या मस्जिद की चोरी की है? ओए तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आया? अल्लाह के घर की तूने चोरी की है? ये जो तूने हरकत की है ना, इसकी तुझे बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि तू आइंदा चोरी ना करे। चौधरी साहब पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें, उसके बाद आप जो मुझे सजा देंगे मुझे मंजूर है। ओए अब सुनने के लिए रह क्या गया है, फिर भी जो बताना है जल्दी बता। चौधरी साहब मैंने मजबूरी में आके ये काम किया, पिछले कई दिनों से मेरे बच्चे खाने के लिए तरस रहे। मैं जिसके पास भी काम के लिए गया वो मुझे गरीब समझ के धक्के मार के भगा देते हैं। चौधरी साहब अब मैंने अपनी कहानी आपको बता दी, अब आप जो भी सजा मुझे देना चाहेंगे मुझे मंजूर है। चौधरी साहब इनकी बातों में मत आना, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, इनका काम ही यही है, आज इसे सजा मिलनी चाहिए। अच्छा सजा? सजा का हकदार ये नहीं बल्कि मैं हूँ। चौधरी साहब आप ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं, सजा का हकदार मैं हूँ, क्योंकि इलाके का जिम्मेदार होते हुए भी मुझे ये पता नहीं है कि मेरे इलाके में कोई गरीब के बच्चे भूखे सो रहे हैं। और हाँ, इन गरीबों की मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये ले भाई, ये रख अपने पास, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मेरे डेरे पे आ जाना, लेकिन हाँ चोरी मत करना। शुक्रिया सरदार साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा।